यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो एक और जहां आपने देखा कि बीजेपी के सांसद अलग अलग स्थानों पर जो है उपवास कर रहे थे कल, और इसी दौरान हिमाचल के ऊना में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मौन रैली निकाली। युवा कांग्रेस के सदस्यों ने मुंह पर काली पट्टियां बांधी और रैली निकाली। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश ठाकुर की अगुवाई में ये रैली निकाली गई और मुनीश ठाकुर ने इस दौरान कहा कि बीजेपी लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी और उल्टा जो है संसद ना चलाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ युवा कांग्रेस अपना अभियान जारी रखेगी और बीजेपी महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले किए गए जो अपने वायदे हैं वो भूल चुकी है और उन्हें पूरा अभी तक नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी का आज जिला स्तर पर पूरे देश के अंदर एक उपवास रखा गया है, इनका राष्ट्रव्यापी उपवास। मुझे बड़ा दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इनके उपवास को कि उपवास है, ये हिंदुस्तान की जनता का मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। इनका ये कहना है कि संसद के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो संसद नहीं चलने दे रही है। आज 44 सीटों की कांग्रेस पार्टी से विपक्ष जो सत्ता पक्ष है इतना डर गया है। इनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी संसद नहीं चलने दे रही है। आज अगर हमारे नेता इनसे पूछते हैं कि मोदी जी आपने जो 4 साल पहले जो वादे किए थे कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी, क्या ये गलत है? हम इनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आप उसका जवाब दो, ये उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब नहीं देने की स्थिति में आपको पता है विपक्ष का जो काम है वो सच्चाई सत्ता के सामने, जनता के सामने लाने की रहती है।